सो गाइस, कैसे हो? आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं हमारे इस ब्लॉग पे दोस्तों, आज शंकर चतुर्थी व्रत की महत्व बताया जाएगा और हम कथा भी सुनेंगे। तो दोस्तों, हमने आज हमारे ब्लॉग में हमने इस कथा के माध्यम से, यानी कि हमने क्या पहना है, हमारे दास्तान लुक दिखाऊंगी मैं आपको प्रॉपर। लेकिन इस दुपट्टे को बोलते हैं पोंचा, अगर आपको नहीं पता है तो, और जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए कि इसे क्या बोलते हैं। तो आपके तो हमारे गांव में, राजस्थान में इसे पोंचा बोलते हैं दोस्तों। तो कथा सुनते समय आप अगर पोंचा पहने या पीला पहने या चुनरी पहने, ये तीनों चीज़ों से एक चीज़ आपको पहननी अवश्य है, ये जरूरी है कथा सुनते समय। तो दोस्तों, मिलवाते हैं हम, आज हमें कथा कौन सुनाने वाला है, उनसे मिलाते हैं हम आपको। तो ये देखिए जी, आज हमारे बड़े मेंबर हैं जो आज हमें सुनाने वाले कथा, और यही पंडित जी का रूप लेने वाले आज। ये हमारी कुकू राम जी है। हेलो कुकू, कैसी है? सबको बोलो कुकू। दोस्तों बहुत ही काटती भी हमारी कुकू शैतान है बहुत ज्यादा ही, और बहुत क्यूट भी है हमारी ये। देखो कुकू, सबसे बोलो कैसी राधे 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 राधे। दोस्तों अब आपको दिखाने वाले हम करवा, मतलब ये कथा सुनेंगे तो हम क्या क्या कार्य हमें करना पड़ता है और किस तरीके से हम कथा सुनेंगे वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने मिट्टी और गोबर से मिला के चौका देते हैं, उसके बाद गणेश जी रखते हैं। गणेश जी रखने के बाद पानी का लोटा रखना पड़ता है, उसके बाद ये हमारी चौथ माता है जो रखनी पड़ती है। जिसके पास भी नहीं हो आप चौथ माता ले लीजिए, और ये बहुत अच्छी होती है खाने सुनने में। इसके बाद हम रखते हैं इसमें बाजरा और तिल और गुड़। इसके बाद आप इसमें कुछ दक्षिणा रखें, क्योंकि ये पंडित जी को देते हैं हम लोग, या फिर कथा सुनाने वाले सदस्य को देते हैं। तो यानी कि आज हमारे घर में जो ये सामान है सारा लेने वाली है ये हमारे बड़े मेंबर, इनको देने वाले हैं हम हमारा ये सारा सामान। तो दोस्तों, कथा सुना करने के लिए पहले एक मेंबर और आने वाला है, उनकी भी वेट करते हैं। उसके बाद हम सब तिलक लगाएंगे यहाँ पे, और गणेश जी के तिलक लगा के कथा प्रारंभ करेंगे। अरे वो भाई साहब, अब बया लागत तू ना आवा हैं, कर ले हैं, पैसे देने थे तो वो तुमसे बात कर रही फिर तो। सर्दी नाम की कोई चीज नहीं हमारे पास। नमस्ते। एक तिल और बाजरो, तिल और बाजरो दोनों एम से के खाई के चलो शुरू करो पंडित जी। एक साहूकार और एक साहूकार थे, वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उसके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन शंकर चौथ की कहानी सुन रही थी, तब साहूकार ने उसके पास आकर बोली, तुम क्या कर रही हो? वह बोली कि आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकार ने बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तो वह बोली कि अन्य धन सुहाग हो बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली थी, मेरे गर्भ में रह जाए तो मैं सवा पैर का तिलकुटा करूंगी और चौथ माता का व्रत भी करूंगी, उसके गर्भ रहेगा। और वो बोली कि मेरे लड़का हो जाए तब मैं ढाई शेर का तिलकुटा करूंगा, उसके लड़का भी हो गया। वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं सवा पांच शेर का तिलकुटा करूंगा। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। जब चौथ बिंदा ने सोचा कि जब से इसका गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुटा बोलती है, अब तो बेटे का विवाह भी नहीं हो रहा, विवाह भी हो रहा है तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया, अगर इसको प्रसन्न नहीं दिखाए तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके
बेटे को फेरे में से ले लेंगे। तब उसने तीन फेरे लिए, चौथे फेरे में तो माता का रहती हुई आई और उसके उठाकर पीपल में बैठा दिया। वहाँ कर मत गया, सब उसको ढूंढने लग गई परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियाँ गणगौर पूजने गाँव के बाहर डूब लेने जाती थी, तब सब गाँव करती थी कि आ मेरी अर्ध ब्याह होती, तब वह कहता कि आ मेरी अर्ध ब्याह। तब वह सुनकर यह बात सुनकर वह लड़की बहुत सुनकर कांटा हो गई। वह लड़की की माँ से बोले कि माँ मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है। तो वह बोली कि जब मैं धूप लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अनुयायी, और मैं उसको मेहंदी लगा रखी है, चेहरा बांध रखा है, जमाई और माँ उठी सेहरा बांध रखा है, और उसने उसकी माँ उठी और बोले देखा कि वह उसका ही जवाई था। तब वह उसने जवाई से बोले कि तू यहाँ क्यों बैठा है, मेरे बेटे को अजब्याही कर दी और अब क्या लेगा। तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुटा बोला था, उससे उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ पर बैठा दिया है। अब मैं अब वहाँ गई और साहूकार ने से बोली कि तुमने संकट चौथ को कुछ नहीं किया, इसलिए साहूकार इसलिए तेरे को ये अगर कुछ बोला है क्या चौथ माता का कुछ बोला है क्या। तब साहूकार ने बोले तिलकुटा बोला था। फिर साहूकार ने बोले कि अगर मेरा बेटा आ जावे तो मैं 2.5 मण का तिलकुटा करूंगी। बेटे का विवाह हो गया तब भी वह लोगों को 2.5 मण का तिलकुटा कर दिया और बोले कि हे चौथ माता मेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहु घर आ जाए तो मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, सब कोई तिलकुटा चौथ का व्रत करना है। चौथ माता जैसा बहु बेटे को मिलवाए वैसा सबको मिलवाना कहते हैं, सब परिवार को भला करना है चौथ माता। जैसे पहली है जैसे कहना माता ये दोबारा है जैसे सब ना ये जब गरीब थी काम कर बजाती और आटो पीसती, आटो पीस जो छाट में रहते ना उन्हें लाकर अपना आदमी को पै देती, बालकन बोल के पै देती, रोजाना यही कर्म करती रहती। एक दिन जिठानी के बालक देख लिया, बोले मम्मी चाची से ना ताई से ना जो छाट में झाड़ के और ताऊ ने बोल के प्याओ से, तो बोले कि आज तो बोले रोजा बोला कि बोले बोलते छाट ना अंदर जा, मैंने मत लेकर जा। बोले ठीक से भाई, वो ना लेके गई, अब ना लेके गई जब जाकर देखे थे। आज बोले बोले मैं तो भूख लगा से कुछ लिया सब दे दे। बोला आज तो तेरे बाबी मेरे कन छाट ना भी कुछ लिया, कुछ ही ना लिया मैं कर देऊ। वो गुस्सा भर तो पीट्यो पीट्यो तो बेचारी और सोगी सोगी वो दिन कुदरती चौथ माता को व्रत थो पकड़ जाऊ। बोले गुस्सा में भरड़ी थी और निमटले तूने किस दिखा जाए तो मकान पड़े। बोले जाय मरता बोली जो विषय झोपड़ी थी जो मैं अंगले तुम अच्छा राजित कर ले जो मेरे सिर मत खा। मैं पूछू कड़े बोल मेरे करम डम पूछ ले, मेरे पटपड़ा पूछ ले। जिठानी आई को ना गई बाकी बात को नाई बता दे बोली दियो को ना दुख मर गए। बोले मारे मैंने मारे तो मैं सोगी गणेश जी महाराज आए जब मैंने कही बोले मैं निमटूंगा जब मैं कही निमट लेगी तभी तो घर पड़े अगर मैं मौसम पूछूंगा मौसम पूछ ले मिले था वो भी घर आई आई अगले साल बाट देखे अपना आदमी बोलेगा अगले से बताओगे ना
माँ के चौथा हो गए तो भी मन मार जे रांडो तो दाए तो धन के मजबूरी में तो धन के बेटे हां बस धन के वो के बेटे तो धन तेरे को तो सब कहे मौत से तू कौन पिटे से बोलना पीट आए तो समा तो उसको बस कूड़ो शरीर जाना मार तो जाना मार तेरे पेट वो क्या कहा एक बार मना करो दो बार मना करो तीसरी बार धर दियो जज के रोका ही रोका बोलो कर साफ सुथरो पोछा लगाए जितनो उठाओ उसे डबल हो जाए और तेरी तो नगेट से मतलब आधी ईट दे चाके तले धरी जो चाके तले वहां पर जो ईट के आधी ईट दे बोले और बोले अब दे दी सर एक एक हार ने लगो दी चाके के नीचे जा चुपचाप बोलो इतना बताऊं अब राज्य हो गए हां भाई सारा रकम बट गो तो हार हार कर जाकर नाक बैठ गो बोले कि वो गई बाद में बाटा छोटा करे बाद में गई अपना हार था बटन नाग बोले बोले मसे भी आदत देगी ना जब जाऊंगा नहीं एड़े बैठे रहूंगा तो वो ना उन मसे भी आदत दिए चौथ माता गणेश जी महाराज जैसे उन्हें आदत दिवाया जैसे ना उनको बाटो कर जाओ सबको बाटो कर ये कहता सुनता उगाड़ा भरता और सबने खुश रहा के महाराज प्रस्तुत तो यही करिए यही उम्मीद से बस तो चलते हैं हम हमारी अर्घ देने के लिए और सूरज भगवान को प्रसन्न करने के लिए फुल फुल खिड़की चलते हैं दोस्तों हम हमारे सूर्य भगवान को पानी देने के लिए यानी कि जल समर्पित करते हैं और अब हम करने वाले हैं ये रही चौथ माता तेरे लोटा में है तो अंगूठी निकाल ले सर रुक जा कपड़ा बंद जी था जो कपड़ा सा गंदा करता पानी के दाग लगा दे लेने चल ले वैसे ना उड़ सक ले उड़ान ले 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 अभी बोलना है पानी के मार हाथ पे यार ना अरे भैया क्या बोलते हैं उसको एक बार शुरू हो जाए ना आदमी को खुश रहो भाई राम जी ना यार थोड़ी मेहनत ना मेरे चल आपकी वीडियो बंद कर।